वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्पेशली 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक सिंपल सर्किट साइंस वर्किंग मॉडल का। ठीक है, हम अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे कि ये जो मॉडल हमने एक्चुअल में हमने ये मॉडल जो है बाय किया है ऑनलाइन किया है अमेजन से, और हमने बनाया ये मंगवाया है और हम इसको घर पे भी बना सकते हैं। अगर इसको देखेंगे आप तो आप इसको इतना सिंपल है कि इसको घर पे भी आप बना सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये कैसे काम करता है हम ये बताएंगे, और जानेंगे कि अपनी लेबोरेटरी अपने घर पे इसको कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या मटेरियल हमें यहाँ पे चाहिए। तो 6th और 7th, 8th क्लास के लिए स्पेशली वीडियो है। आप साइंस एग्जीबिशन में एक सिंपल सा सर्किट जो है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के जो है ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है सर्किट में, कैसे एक बल्ब जो है करंट के फ्लो करने पर वो ग्लो करता है, ये सब हम जानेंगे। बैटरी कैसे हम कनेक्ट करते हैं, वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं, स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये जो साइंस का जो वर्किंग मॉडल है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको आप बाय भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बाय कर सकते हो। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सीकोपीडिया यूट्यूब चैनल। चलिए तो हम इस सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक्चुअल में जो है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो कि 6th, 7th और 8th क्लास के लिए साइंस का एक वर्किंग मॉडल है। ठीक है, तो आप इसको अपनी लेबोरेटरी या अपने घर पे भी बना सकते हैं, होममेड भी कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या निकलता है। इसके अंदर ये न्यूज़पेपर है ताकि टूटे ना, बफरिंग के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखिए ये एक सिंपल हमारे पास जो है ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। चलिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इस पोलोथीन को देखिए कितना सुंदर है ये, आप इसको ध्यान से देखिए। ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है बच्चों, आप ध्यान से देख रहे होंगे। इसमें ये एक बल्ब है, इसको टॉय बल्ब कह सकते हैं हम, और इसमें एक ही स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ के लिए। और ये यहाँ पे एक आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का टर्मिनल है, जो कि नेगेटिव सप्लाई देंगे हम, नेगेटिव सप्लाई यहाँ से देंगे। और ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये आपका रेड टर्मिनल है, जो कि हम बैटरी का पॉजिटिव जो एंड है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव एंड ब्लैक वाले पे कनेक्ट करेंगे। ये आपको दिख रहे होंगे इसमें ये वायर्स यूज की गई है, जो कि छोटी छोटी वायर्स हैं, और इसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ है ताकि आपस में टच ना करें। इंसुलेशन है और यहाँ पे देखिए इंसुलेशन है और ये इसे कनेक्ट है। फिर बच्चों देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है पहले स्विच से जुड़ा हुआ है, एक स्विच के एंड से जुड़ा हुआ है, स्विच का दूसरा एंड जो है बल्ब के एक एंड से जुड़ा हुआ है। ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल जो है बल्ब के इस एंड से जुड़ा हुआ है। जैसे आप स्विच को देखिए, यहाँ स्विच ऑफ है अभी फिलहाल, ये स्विच ऑफ है। अब स्विच को ऑफ करते ही यहाँ से जो करंट चलेगा, देखिए करंट चलेगा और ऐसे करता हुआ करंट यहाँ से पास ही नहीं होगा। तो सर्किट में अगर ये स्विच को हम ऐसे रखेंगे ना तो ये ऑफ है, ओपन सर्किट कहलाएगा। जैसे हम इसको ऐसे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखो कितना प्यारा सा आपके पास ये एक तरह से वर्किंग मॉडल है, जो कि 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चे बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का मॉडल आप खरीदना चाहते हैं, यानी बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा मॉडल है और एक सिंपल है, सबसे बड़ी बात है सिंपल मॉडल। अब देखिए हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, कैसा दिखता है ये बैक वाला पीस है इसका। अब ध्यान से देखिए इसको एक्चुअल में वर्किंग करा के देखेंगे कैसे काम करेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए हमारे पास एक बैटरी एलिमिनेटर है, जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज द बैटरी एलिमिनेटर। इस बैटरी एलिमिनेटर में आप देख रहे हैं, इस बैटरी एलिमिनेटर के अंदर ये जो रेड कलर का वायर हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव है, और ये इस बैटरी एलिमिनेटर में ये नेगेटिव है, मतलब ये डीसी पावर सप्लाई देगा हमें। ठीक है, डीसी करंट हमें देगा ये। ठीक है, और हमारे पास ध्यान दे बच्चे, ये जो हमारे पास वर्किंग मॉडल है ये डीसी सर्किट है। ठीक है, डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट है मेरे बच्चों, डीसी इलेक्ट्रिकल ये सर्किट है आपके पास। ठीक है, देखो कितना अच्छा है। हम पहले इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव में बैटरी का पॉजिटिव एंड, इस बैटरी का पॉजिटिव एंड हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं मेरे बच्चों। देखिए कनेक्ट कर दिया, अभी हमारे पास स्विच को हम ऑफ रखते हैं। तो देखिए हम यहाँ वोल्टेज कम से कम रख के देखिए मेरे बच्चों, देखो ध्यान से आप, अभी बैटरी से हमें वोल्टेज सप्लाई कर रखी है इसमें, ये ऑफ है। जैसे ऑन करते हैं मेरे बच्चों, देखो बल्ब ऑन हो गया, दिख रहा है बल्ब आपका ऑन है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव को नेगेटिव से। फिर बच्चे देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा, बल्ब से होता हुआ जो है इस स्विच के जरिए जो है इस नेगेटिव में एंटर चले, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पहले बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सर्किट में आप ध्यान से देखते हैं कितना अच्छा वर्किंग मॉडल, आप समझा सकते हैं कि किसी सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है। तो किसी सर्किट में करंट पहले बच्चों कहां से, पॉजिटिव से फ्लो करता है, ऐसे पॉजिटिव होता हुआ बल्ब में से होता हुआ और इस स्विच से
यहाँ चले जाएगा। अब पहले बच्चों ये याद रखना है, ये जो सर्किट है आपको अभी इस सर्किट में बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है, राइट, नहीं कर रहा है ना, तो अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो इसे ओपन सर्किट कहेंगे, क्योंकि स्विच ऑफ है। पहले बच्चों स्विच जब ऑफ होता है, बल्ब यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहा, मतलब ग्लो नहीं कर रहा, तो ये इसे ओपन सर्किट कहते हैं। पहले बच्चों अपनी बुक में आप देखेंगे ना, तो दो तरह के सर्किट की सिचुएशन होगी, नहीं सर्किट की दो सिचुएशन होती है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अब जैसे ही देखिए इसको ऑन करेंगे, अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, फिर बच्चों क्या करेंगे, इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अभी ओपन सर्किट है, अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए आपको दिख रहा है ये सर्किट आपका यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी स्विच ऑन होने पर सर्किट क्लोज हो जाता है। पर बच्चों जब सर्किट क्लोज हो जाता है ना, तो करंट फ्लो करने लगता है, सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है। तो इस तरह से देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है, अब देखिए ऑफ हो गया, ऑन हो गया। पर बच्चों कितना अच्छा, छोटा सा एक सिंपल सा एक आपका ये प्रोजेक्ट है, एक वर्किंग प्रोजेक्ट है, जो कि 6th 7th क्लास के बच्चे इसको बना सकते हैं। कुछ नहीं, एक बल्ब चाहिए आपको, बच्चों एक स्विच चाहिए, और यहाँ पे दो टर्मिनल आपको लेने हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, यानी एक रेड और एक ब्लैक, और ये कुछ वायर्स चाहिए बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया। देखिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये हमारा अच्छा लगा होगा, ये प्रोजेक्ट जो है, जो हमने बाई किया है पर बच्चों ऑनलाइन बाई किया है, तो बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी मंगा सकते हैं। और इन छोटे छोटे सर्किट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं पर बच्चों, कि सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, पर बच्चों सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, सर्किट में बल्ब कैसे ग्लो करता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बताया ना मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, स्विच का काम क्या है, सर्किट की दो कंडीशन होती है, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट कैसे होती है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।